जय जिनेन्द्र। जैन तीर्थों के इतिहास में जग जयवंत श्री जिरावला पार्श्वनाथ तीर्थ का विशेष महत्व है। सदियों से ये महान तीर्थ आचार्यों, मुनियों, राजाओं, भक्तजनों आदि की अटल श्रद्धा का केंद्र रहा है। जैन संस्कृति का स्थान रहा है। जैन शास्त्रों में इस तीर्थ के जिरवल्ली, जिरापल्ली, जिरिकापल्ली, जयराजपल्ली आदि नाम भी मिलते हैं। पूरे विश्व में जिनेश्वर परमात्मा के मंदिर की प्रतिष्ठा सुसंपन्न करते समय श्री जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम मंत्र ओम रीम श्रीम श्री जिरावला पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा प्रभु के पृष्ठ की दीवार पर लिखा जाता है। सुवर्ण जल को अभिमंत्रित करते समय भी जिरावला प्रभु का स्मरण आवश्यक है। आइए ऐसे परम तारक परमात्मा की महिमा और इतिहास को इस कथा गीत के माध्यम से सुने। अतीत के वैभव की सौरभ, अतीत के वैभव की सौरभ गौरव का दृष्टान अथ श्री जिरावला वृत्तान, अथ श्री जिरावला वृत्तान। प्रभु की ये मूर्ति उनके जीवित समय में विश्रांत काल में निर्मित होने से जिरावला पार्श्वनाथ को जीवित स्वामी भी कहा जाता है। कुछ वर्षों पूर्व ब्यावर राजस्थान से हस्तलिखित पोथी का एक भोजपत्र इस बात का प्रमाण है। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान के हाला प्रदेश से आए ज्ञान भंडार से प्राप्त ये भोजपत्र 800 वर्ष पूर्व आचार्य श्री मेरुतुंग सुरेश्वर जी द्वारा हस्तलिखित है। इस भोजपत्र के अनुसार प्रभु पार्श्व के प्रथम गणधर श्री शुभ स्वामी के सदुपदेश से अबूरदाचल की तलहटी में स्थित रत्नपुर नगर के जैन धर्म उपासक श्री चंद्रशा राजा ने इस प्रतिमा का निर्माण करवाकर उन्हीं के हाथों अंजन प्रतिष्ठा करवाई थी। श्री शुभ स्वामी गणधर ने प्रभु पारस के युग में कराये प्राण प्रतिष्ठा, जीवित स्वामी की मूर्ति ये। दूध बालू से बनी ये कृपा बरसाती अमी ये, नाम मंत्राक्षर सम है भक्तों की शरण स्थली ये। सकल तीर्थ में वर्णित महिमा, सकल तीर्थ में वर्णित महिमा, तीर्थ के गुण गान अथ श्री जिरावला वृत्तांत, अथ श्री जिरावला वृत्तांत। कालांतर में ये प्रतिमा भूमिगत हुई थी, जिसे वर्मान के धांधल श्रावक ने सपने में मिले आदेश से जिरापल्ली नगर के पास सिहोली नदी के किनारे देवत्री गुफा में से प्रकट कर शिखरबद्ध प्रासाद में प्रभु को मूलनायक के रूप में संवत 1109 में प्रतिष्ठित किया था। तत्पश्चात विक्रम संवत 1191 में आचार्य श्री अजितदेव सुरेश्वर जी के हाथों से पुनः प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसी मंगल स्थान से जिरापल्ली गच्छ की उत्पत्ति भी हुई। अबूरदाचल के शिलालेख से यह भी सिद्ध हुआ है कि स्वयं प्रभु महावीर इस क्षेत्र में विचरे थे। ये मंदिर सदियों से मरु प्रदेश की शान रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति राजा और बाद में क्षत्रियों के राज में यह एक समृद्धशाली नगर और व्यापारिक केंद्र था। कई शूरवीरों की कर्म भूमि भी ये मरुप्रदेश रहा है।
अरावली पर्वत माला की गोद में तीर्थ ये आला। घने जंगल से घिरा है, बड़ा सुंदर है नजारा। ये भूमि महापुरुषों की, ये धरती महातीर्थों की, ये राजस्थान है न्यारा, ये मिट्टी है रत्नों की। सभ्यताएं इस रेत में जन्मी, सभ्यताएं इस रेत में जन्मी, ऐतिहासिक ये प्रांत, अथ श्री गिरावला वृत्तांत, अथ श्री गिरावला वृत्तांत। अन्य शिलालेखों, प्रशस्तियों आदि से ये उजागर हुआ है कि विक्रम की चौथी, आठवीं, बारहवीं और सोलहवीं सदी में इस तीर्थ का जीर्णोद्धार होता रहा है। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में भी इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ है। पुनः पुनः जीर्णोद्धार का एक मूल कारण मुगलों का आक्रमण रहा है। विदेशी धर्मांध शक्तियों ने आर्य भूमि की पश्चिमी सीमा से कई बार आक्रमण कर हमारे मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त किया है, परंतु वे हमारी आस्था और भक्ति को ध्वस्त नहीं कर सके, बल्कि हमारे पुरखों के समर्पण और सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना के कारण ये तीर्थ और भी भव्य बनकर उभरे हैं। स्वर्णिम युग देखा है, सितम मुगलों का सहा है, ये शासन गज हर युग में बुलंदी पर लहरा है। कभी केसर कुमकुम से, कभी अपनों के लहू से, हुआ इतिहास अंकित सुनहरा हर पहलू से। त्याग समर्पण की यश गाथा, त्याग समर्पण की यश गाथा, लिख गए कई विक्रांत, अथ श्री गिरावला वृत्तांत, अथ श्री गिरावला वृत्तांत। जीर्णोद्धार की श्रृंखलाओं में जिरावला दादा की मूल प्रतिमा की रक्षा हेतु या अन्य कारणों से कई बार अपने मूल स्थान से चलित कर अलग देव कुलिकाओं में स्थापित किया गया था। विक्रम संवत 2020 में मेवाड़ केसरी आचार्य श्री हिमाचल सुरीश्वर जी की पावन निश्रा में संपन्न जीर्णोद्धार में मूल स्थान पर नूतन जिरावला पार्श्वनाथ भगवान को विराजित किया गया। कई नई प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित की गई। वर्तमान परिवेश में भी कई आचार्य भगवान नूतन मंदिर के निर्माण से अधिक जीर्णोद्धार के कर्तव्य को निभाने का आग्रह रख रहे हैं, जिससे कई जीर्ण शीर्ण प्राचीन तीर्थों की कायापलट हुई है। प्राचीनता अक्षुण्ण रहकर तीर्थ भव्यता धारण कर रहे हैं। विश्व महिम श्री जिरावला तीर्थ भी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है एवं मोक्ष आराधकों का आधार। काल के कई उतार चढ़ाव झेल चुके इस महातीर्थ का जीर्णोद्धार कर इसे विश्वोन्नत बनाया जाए, ये वर्तमान का कर्तव्य बन चुका है। ऐसे उपकारी तीर्थ का है जीर्णोद्धार अनोखा, पुण्य से अवसर आया उगा सूरज सोने का। वास्तु से शिल्प से धनी, नक्शी आभूषी है बनी, है जैसलमेर की कला, है रणकपुर की बांधनी।
देव विमान के जैसा मंदिर, देव विमान के जैसा मंदिर, अद्भुत भव्य विराट अथ श्री जीरावला वृत्तांत, अथ श्री जीरावला वृत्तांत। प्राचीन मुल्लायक श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान को फिर से राज सिंहासन पर प्रस्थापित कर तीर्थ के युगों से बिखरी अस्मिता को शत सहस्र दीप्तिमान बनाने के पक्ष में संकेत सूत्रपात हुआ है और तीर्थ के जीर्णोद्धार का कार्य साकार हो रहा है। आचार्य भगवान मेवाड़ केसरी श्री हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज और अध्यात्म योगी आचार्य श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी का दिव्य आशीष बरस रहा है। गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जय घोष सुरेश्वर जी, दीक्षा दानेश्वरी आचार्य भगवान श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी, आचार्य भगवान श्री यशो विजय सुरेश्वर जी, स्वर्गीय मालो भूषण आचार्य भगवान श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी, शासन प्रभावक आचार्य भगवान श्री रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के मार्गदर्शन में तथा अनेक गच्छाधिपति आचार्य भगवंतों की पावन निश्रा में इस तीर्थ के मूल गंभारे में बहुत ही जल्द प्राचीन मूल नायक श्री जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु विराजमान होंगे और मूल गादी पर दादा के दर्शन कर हम अपनी रोम रोम में अलौकिक ऊर्जा का सूत्रपात करेंगे। प्रभु के दिव्य मुख को देखकर अखिलानंद की ओर कदम बढ़ाएंगे। सात फण शीर्ष शिखा पर मंद मुस्कान है मुख पर, आभा शोभा अनोखी अलौकिक तेज मनोहर, सौम्य है शांत बदन है, अमीरस भरे नयन है, आसन पद्मासन है, प्रतिमा श्वेत वर्ण है, प्रदीप के चित में बसी है, प्रदीप के चित में बसी है, मुख मुद्रा ये प्रशांत अथ श्री जीरावला वृत्तांत, अथ श्री जीरावला वृत्तांत, अथ श्री जीरावला वृत्तांत।